हाय एवरीवन, बात यह है कि आज ये वीडियो जो है ये बनाने का सिर्फ एक ही एम है कि अपना मैसेज बाकी उन लोगों तक पहुंचाना जो इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि ह्यूमंस पे रिसर्च गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से बैन कर चुकी है क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकले थे वो काफ़ी डिज़ास्टर्स थे। बट मैं भी उस चीज़ में जुड़ा थोड़ा और मैंने काफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से हेल्प मांगी, बट उन्होंने मना कर दिया। अब मैं बात को ज़्यादा घुमाता नहीं, मैं सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ कि आप सब ने इम्यूनिटी सुना होगा। पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ के थ्रू जनरेट की जाती है। मेरी जो थिंकिंग थी, मैं जब क्लास 11th में आया तो मैंने कहीं सुना था कि आप अपनी बॉडी में इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज जनरेट कर सकते हो जिसके बेसिस पे आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि किसी भी जहर या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बॉडी को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो डिफरेंट चीज़ें मैंने भी उस टाइम से वही एक रीज़न था कि मैं इस फील्ड में एंटर करूं। और मैंने साइंस इसीलिए ली थी 11th में पढ़ने के लिए ताकि मैं इसको डीप में रिसर्च कर सकूं इस चीज़ पे। तो मैंने किया, मैं अपनी बात बताने से पहले मैं आपको एक फैक्चुअल बात बताना चाहता हूं। आप सबको शायद नहीं पता होगा, एक ये प्रिमिटिव प्राइमोडियल टाइम से चला आ रहा है ये जो इम्यूनिटी जनरेट करने का बॉडी के अंदर। ये आप सब ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, चाणक्य का। उस टाइम भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज जनरेट की गई थी क्योंकि उस टाइम उसकी राजगद्दी को खतरा था। और एज अ गुरु, जो उनके चाणक्य जो गुरु थे, उन्होंने बिना बताए उनके खाने में डाइल्यूटेड अमाउंट में पॉइजन जो था वो उनको देते रहे, बट उन्हें कभी बताया नहीं। और यही रीज़न था कि एक लंबा टाइम, क्योंकि डाइल्यूटेड पॉइजन हमारे लिए कभी हार्मफुल नहीं होता, बट क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई अनवांटेड सब्सटेंस, ज़रूरी नहीं है कि वो हार्मफुल है या नहीं है, अनवांटेड सब्सटेंस जो बॉडी का नहीं है एंटर करता है तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है इंटरफेरॉन्स और वगैरह वगैरह ये सब उस पर अटैक कर देते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म ये है कि वो उन चीज़ों को एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनसे लड़ता है और उनकी जैसी और एंटीबॉडीज बना के छोड़ देता है ताकि जब नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करे या उससे थोड़ा वीक होगा तो वो उसको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये खास बात है हमारी बॉडी की। मैंने यही टेक्निक यूज़ की, बट मैंने यहाँ पे वेनम्स को डाइल्यूटेड फॉर्म में खाने के उसमें नहीं लिया, मैं कुछ अलग करना चाहता था। और अभी मेरे पास कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही एम था कि अपनी बात उन तक पहुँचाना, क्योंकि पहले मैं इस बात को बहुत छुपाता था, बट अब सोचा कि इसको एक्सपोज करने में ही फ़ायदा है, तभी सब लोगों को पता लग पाएगा। मैंने डिफरेंट कोल्ड ब्लड्स को यूज़ किया क्योंकि एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स उनके एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और उनकी कैपेबिलिटीज़, अगर हम उनका साइज़ देखें, लाइक एंट्स हो गई, फिशेस हो गई और स्पाइडर्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो उनसे कहीं ज़्यादा है। तो उन्हीं चीज़ को मैं अपने ब्लड में इंजेक्ट किया। मैं नॉर्मली क्या करता था, उनके पार्ट्स को कट किया और एक मिक्सचर बना लेता था सीरम टाइप उनका, और डाइल्यूटेड फॉर्म में ग्लूकोज के साथ मिक्स करके उनको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता था। अराउंड हर एक उसका मैं 7 डेज के रिपीटेशंस पे कंटिन्यूसली 2-2 ml से स्टार्ट करता था और 10 ml तक करता था, इंजेक्ट करता था। रीजंस ये थे कि बॉडी के अंदर ऐसी इम्यूनिटीज डेवलप करना क्योंकि इनमें ऐसी काबिलियत है कि जो बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनके अंदर, आपने कभी सुना होगा कि जितने भी ये रेप्टाइल्स और कोल्ड ब्लड्स हैं इन्हें कभी भी बीमारियां नहीं होती। रीज़न यही है क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर है रीज़न, और दूसरा ये कि इनकी अंदर कुछ ऐसे
एंटीबॉडीज हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उन चीज़ों को पनपने ही नहीं देते। तो वही चीज़ ह्यूमंस में, मुझे पता है कि एक डिजास्ट्रस हो सकता है, लेकिन अभी मैं अलाइव हूँ तो इस चीज़ का मैं बहुत थैंकफुल करता हूँ गॉड को कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में फेलियर्स बहुत ज़्यादा हुए थे। जब मैंने स्टार्टिंग में इंजेक्ट किया तो फर्स्ट टाइम में, मतलब जब 7 डेज का हो गया था, मतलब मैंने पहला स्पाइडर यूज़ किया था अपने उसके लिए, जब स्पाइडर का हो गया तो उसके बाद मेरे को जॉन्डिस हो गया था। सबसे फर्स्ट टाइम मैं फेल डाउन हो गया था जॉन्डिस से। मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि इसमें श्योरली मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, क्योंकि मैं किसी एक लेबोरेटरी में बंद नहीं हूँ, मैं अपना नॉर्मल रूटीन जो वर्क चल रहा था, मैं एक्सपोज हुआ हूँ एनवायरनमेंट में फुली उसमें, तो उनका भी थोड़ा इफेक्ट था। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ समथिंग हैपन इन माई ब्लड जिसकी वजह से जॉन्डिस हुआ है, ठीक है, हुआ था। और अच्छी बात ये थी कि जॉन्डिस मेरा डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर 10 डेज लगे थे, और नॉर्मली जो केसेस मैंने देखे हैं जॉन्डिस 1 से 2 महीना खींच लेता है। तो ये एक अच्छी बात है कि शायद उस टाइम मैंने अपना ये सोचा कि ऑब्जर्वेशंस मेरी ये थी और कंक्लूजन ये था कि शायद उस टाइम बॉडी के सेल्स उससे लड़ रहे थे और इजीली उसको अडेप्ट कर लिया। ये अच्छी बात थी, अडेप्ट कर लिया और उसको धीरे धीरे डिमिनिश कर दिया बॉडी से, ये हो गया। दूसरी बार जब मैंने डिफरेंट उन चीज़ों लाइक बीज एंड एंट्स को यूज़ किया, मिक्सचर अपनी सीरम यूज़ किया बॉडी में, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स अगेन, छोटे छोटे, सबको पता है स्मॉल पॉक्स के छोटे छोटे दाने निकल गए पिंपल्स टाइप, और पता भी नहीं लग रहा था, रेडिश थे। मैंने उनको फोड़ा तो पस सा निकल रहा था उनमें से, पानी सा, बट मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम हुआ था। और कहते हैं कि जिसको फर्स्ट टाइम होता है उसको दोबारा नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर उससे ज़्यादा स्ट्रांग मिल रहे हैं आपके खून में तो वो दोबारा कॉज कर सकते हैं। बट सिमिलरली उसको उसको भी फैक्चुअली सिर्फ 1 हफ्ता लगा ठीक होने में, बिना किसी दवाइयों के अपने आप ही वो ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ मैं खुश था। तीसरी चीज़ जब मेरे को कन्फर्मेशन तब मिला कि देर इज़ समथिंग इन माई ब्लड जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इनके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें बना ली है। डेंगू लास्ट लास्ट से लास्ट ईयर देहरादून में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ था हर जगह। इवन देखा जाए तो हर घर में एक बंदा तो डेंगू से सफ़र कर ही रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, मेरे घर में किसी को नहीं था, मेरे फ्रेंड्स को भी हो गया था उसी टाइम, मेरे को भी हो गया। और सिम्टम्स क्या थे कि आंखों के पीछे दर्द वगैरह, जो नॉर्मल जो डेंगू के सिम्टम्स थे वो मेरे में शो होने लगे। तो मम्मी पापा को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास गए, उसने सीधा बोला कि पहले टेस्ट होगा डेंगू का। डेंगू का टेस्ट कराया तो डेंगू पॉजिटिव था उसमें। तो मैंने सोचा, फिर अगले दिन जब मैं गया, अभी फर्स्ट डे था, मैंने टेस्ट करा लिया, अगले दिन मैं बेटर फील कर रहा था। दवाइयाँ वगैरह मैंने नहीं ली, स्किप कर दी थी, मैंने बताया नहीं था घर वालों को, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बॉडी कितना झेल सकती है। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल था। तीसरे दिन भी मैंने नॉर्मल खाना खाया, सब कुछ जैसा था वैसा चल रहा था। फिर मैंने 5वें दिन जब बिल्कुल सब कुछ ठीक था, मैंने फिर दोबारा टेस्ट कराया। 5वें दिन देखा तो डेंगू नेगेटिव आए टेस्ट में, जो मेरे लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल फीलिंग थी कि हाँ शायद इसका कुछ है। तो उस टाइम से लेके आज तक, अभी प्रेजेंट तक, मैं अपने अराउंड जितने भी कोल्ड ब्लड्स को देखता हूँ, मैं उनको पकड़ता हूँ और उनके सीरम्स को इंजेक्ट करता हूँ। बेसिक मोटो क्या है इस चीज़ करने का, मैं अपने आप को एक ऐसी चीज़ में डेवलप करना चाहता हूँ कि जिससे एंटायर पॉपुलेशन का फ़ायदा हो सके। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ मेरे ब्लड के अंदर हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं और बाकी लोगों को भी उन डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मेरे ब्लड से वो चीज़ एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन्स वगैरह में, वैक्सीनेशन में यूज़ की जा सकती है। ये मेरा आइडिया था 11th का। ये मैंने इसको लंबे टाइम तक मेंटेन रखा, ज़्यादा किसी से शेयर कभी नहीं किया क्योंकि एक डिस्ट्रक्टिव वे में था। बट आज जब सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इस पे हेल्प करने से मना कर दिया, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ साथ साथ, डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, बट जब लोग सामने से आपको रिजेक्शन मिलता है, कोई चीज़ में सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे फिर मुझे लगा कि शायद यूट्यूब के उससे शायद ये बात किसी ऐसे बंदे तक पहुँच जाए जो इसकी वैल्यू करता है। तो आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ वो नीचे छोड़ दीजिए, और
और क्या बोलूँ यार, बाकी लोगों से यही कहूँगा कि इस चीज़ के लिए आप सबको ये चीज़ खुद पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बताने में वो लग रहा है कि सिंपल है, बट जो अंदर जो दर्द और हालत जो मेरी थी वो मैं ही जानता हूँ कि क्या थी। तो इसलिए आज मैंने सिर्फ एक वो दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मैं किस तरीके से इंजेक्ट करता हूँ अपनी बॉडी के अंदर। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक बेशक मत करो यार, जितने अनलाइक्स देने उतने अनलाइक्स दो, बट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, इसको हर हर किसी तक पहुँचाओ, क्योंकि शायद क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे ब्लड मैंने अपने ब्लड रिपोर्ट्स कोई ऐसे मेरा टेस्ट करने के उसमें नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्लड में कुछ तो चेंजेस हुए हैं जो शायद एंटायर पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।